क्या आपने कभी सोचा है कि काश ऐसा कोई रिसोर्स होता जहां से आप ऑप्शंस को डिटेल में और आसान भाषा में सीख पाते। लेक्चर्स जो ऑप्शंस जैसे मुश्किल टॉपिक को भी आपको बहुत आसानी से सिखा देता। ये ऑप्शन लर्निंग सीरीज हमने इसी उद्देश्य से बनाई है कि हम ऑप्शन जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आपको एक आसान और सरल भाषा में समझा सके। दोस्तों, स्वागत है आपका सेंसिबल की ऑप्शन लर्निंग सीरीज में, जहां हम सीखेंगे ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक एकदम सरल और सहज भाषा में। और मेरा विश्वास है कि इस ऑप्शन सीरीज को पूरी तरह समझने के बाद आप ऑप्शंस को एक प्रोफेशनल्स के नजरिए से देख पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित करिए। और हाँ, सेंसिबल के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस सीरीज के कई वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन लर्निंग का ये सफर। एपिसोड 1, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स, जहां से हुई शुरुआत। हम सभी जानते हैं कि मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी या स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इस सीरीज में हम ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स को डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेरिवेटिव है क्या? जैसे कि नाम से पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू किसी दूसरे एसेट की मदद से डिराइव करी जाए या पता करी जाए, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। और जिस एसेट से इस वैल्यू को डिराइव किया जाता है, उसे कहते हैं अंडरलाइन। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड तभी कैलकुलेट की जा सकती है जब आपके पास डिस्टेंस हो। इसलिए स्पीड हो गई डेरिवेटिव, क्योंकि ये डिराइव हो रहा है डिस्टेंस से और डिस्टेंस हो गया इसका अंडरलाइन। अगर मैं इसी एग्जांपल को फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ू तो अंडरलाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी या इंडेक्स। और इसके डेरिवेटिव होते हैं इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ऑप्शंस को समझने के लिए आपको पहले फ्यूचर्स की जानकारी लेनी पड़ेगी, और फ्यूचर्स को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। तो क्या है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी पाया जाता है, जहां कौटिल्य ने यह सजेस्ट किया था कि किसानों को उनकी फसल के दाम एडवांस में दे दिए जाएं। फॉरवर्ड मार्केट इसलिए भी इंट्रोड्यूस हुआ था कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल पाए मंदी के वक्त पे भी। फ्यूचर्स फॉरवर्ड का ही एक मॉडिफाइड रूप है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक ज्वेलर हैं और 15 जनवरी 2021 को आप एक गोल्ड इंपोर्टर से डील करते हैं कि 3 महीने बाद यानी 15 अप्रैल 2021 को आप उससे 5 किलो गोल्ड खरीदेंगे, और जिस प्राइस पर आप दोनों राजी होते हैं वो है आज का भाव यानी करंट मार्केट प्राइस, जो कि है 5,000 रुपए पर ग्राम, जो कि हो जाता है 50 लाख पर केजी। इस हिसाब से आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है 50 लाख 1 केजी के लिए और 5 केजी के लिए 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़। इसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब 3 महीने बाद गोल्ड की प्राइस चाहे जो हो, आप और गोल्ड इंपोर्टर दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि आप गोल्ड खरीद रहे हैं इसलिए आप हैं बायर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और गोल्ड इंपोर्टर है सेलर ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब समझते हैं बायर और सेलर दोनों के माइंडसेट को। इंपोर्टर को ये लगता है कि गोल्ड में मंदी आने को है और प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए वो आज के प्राइस में गोल्ड बेचना चाहता है। और आप सोच रहे हो कि गोल्ड में तेजी आ सकती है और प्राइस ऊपर जा सकता है, इसलिए आप आज के भाव पर गोल्ड खरीदना चाहते हो। अब आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो यहां 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, गोल्ड का प्राइस 50 लाख से 55 लाख पर केजी हो जाता है। आप जो बायर है उसे प्रॉफिट होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आप गोल्ड खरीदेंगे 50 लाख पर केजी के हिसाब से, और उस गोल्ड की कीमत मार्केट में है 55 लाख रुपए पर केजी।
आपको 1 किलो पर होता है 5 लाख का प्रॉफिट, यानी 5 किलो पर हुआ 25 लाख का प्रॉफिट। वहीं गोल्ड इंपोर्टर को यहां नुकसान होता है क्योंकि उसे कम दाम पर अपना गोल्ड बेचना पड़ रहा है। सिचुएशन नंबर 2, गोल्ड का प्राइस 50 लाख पर केजी ही रहता है। इस स्थिति में ना किसी को प्रॉफिट होगा ना किसी को लॉस होगा क्योंकि गोल्ड के भाव में कोई भी बदलाव नहीं आया। सिचुएशन नंबर 3, गोल्ड का प्राइस 50 लाख से 46 लाख पर केजी हो जाता है। इस परिस्थिति में इंपोर्टर को फायदा होगा क्योंकि उसे गोल्ड का ज्यादा भाव मिल रहा है। 46 लाख पर केजी का गोल्ड वो 50 लाख पर केजी में बेच पा रहा है, उसे होगा 4 लाख का फायदा, 5 किलो पर होगा 20 लाख का फायदा और आपको होगा 20 लाख का नुकसान। चलिए अब हम समझ चुके हैं कि बायर और सेलर को प्रॉफिट या लॉस कब होता है। अब देखते हैं कि इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। नंबर 1, लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आपको चाहिए कोई जो उसे बेच रहा हो, वो भी आपकी मनपसंद प्राइस पर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सेलर ही ना मिले और आपकी डील ना हो, इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। नंबर 2, डिफॉल्ट रिस्क। हो सकता है कि जिसने डील में लॉस किया हो वो पेमेंट करने से मना कर दे। नंबर 3, रेगुलेटरी रिस्क। लोग बहुत से स्कैम कर सकते हैं अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो। नंबर 4, रिजिडिटी रिस्क। अब मान लीजिए कि आप किसी ट्रेड में हैं और आप अपना व्यू बदलना चाहते हैं, बायर की बजाय आप सेलर बनना चाहते हैं। अब यहां कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसे कहते हैं रिजिडिटी रिस्क। इन रिस्क के कारण हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो कि फ्लेक्सिबल हो, रेगुलेटेड हो और जिस सिस्टम पर आप भरोसा कर सकते हो, कुछ ऐसा जो फॉरवर्ड्स की खूबियों को रखते हुए इसकी खामियों को हटा दे। इसलिए फ्यूचर्स का आविष्कार हुआ। इसे इस तरह से सोचिए, अगर हम आज की कार्स को पुरानी कार्स से कंपेयर करते हैं तो आज की कार्स हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा भी देती है जो कि पुरानी कारों में भी थी। तो अब आप समझ गए कि फ्यूचर्स हैं फॉरवर्ड्स विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स। तो देखते हैं उन एक्स्ट्रा फीचर्स को एक बार और डिटेल में। नंबर 1, कहां है मेरी काउंटर पार्टी। ये बहुत ही कठिन है कि आपके एग्जैक्ट ऑपोजिट व्यू वाला कोई पर्सन आपको मिले। यहां एनएसई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिड्स और ऑफर को कलेक्ट करके उनको आपस में मैच कराने का, और एनएसई ये भी देखती है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक से तो चल रहा है ना। नंबर 2, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अपने अंडरलाइन की नकल करते हैं। हमने सीखा था कि अंडरलाइन और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो फ्यूचर एक डेरिवेटिव है जो अपने अंडरलाइन को फॉलो करता है। हमारे एग्जाम्पल में गोल्ड अंडरलाइन है और फ्यूचर प्राइस है डेरिवेटिव। तो अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो फ्यूचर्स का प्राइस भी ऊपर जाता है, वैसे ही अगर अंडरलाइन नीचे जाता है तो फ्यूचर्स का प्राइस भी नीचे जाता है। नंबर 3, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे दिए गए एग्जाम्पल में जो ट्रेड हुआ वो 5 केजी गोल्ड के लिए हुआ, और अगर हम राजी होते तो शायद वो 3 या 6 किलो के लिए भी हो सकता था। फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट साइज को स्टैंडर्ड कर दिया गया, जिसे लॉट साइज भी कहा जाता है। नंबर 4, ईज ऑफ ट्रेडिंग। फ्यूचर्स में मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से किसी और से ट्रेड कर सकता हूं, और यहां एक्सचेंज हमारे ट्रांजेक्शन को रेगुलेट भी करती है। नंबर 5, रेगुलेटेड। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत की रेगुलेटरी बॉडी है जो ये देखती है कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं। नंबर 6, टाइम बाउंड। एक्सपायरी होने की वजह से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टाइम बाउंड होते हैं, अर्थात एक समय अवधि के बाद उनकी कोई कीमत नहीं होती, जैसे 3 महीने हमारे एग्जाम्पल में। नंबर 7, कैश सेटल्ड या रोकड़ा। ज्यादातर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड होते हैं, यानी आपको केवल अपना प्रॉफिट या लॉस जितना भी है कैश में मिल जाता है, हमें फिजिकल एसेट को इधर से उधर शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु सेबी के नए आदेश अनुसार स्टॉक की फिजिकल डिलीवरी की जाती है एक्सपायरी पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हमारे गोल्ड एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखा जाए, पर इस बार फ्यूचर्स का चश्मा पहनकर। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू।
हमारे एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 5 kg इंटू 50 lakhs पर kg, जो कि थी 2.5 करोड़। ये थी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लॉट साइज 5 kg था लॉट साइज। एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वो दिन है जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं रहती। हमारे एग्जाम्पल में एक्सपायरी थी 15 अप्रैल 2021। मार्जिन, हमारे एग्जाम्पल में किसी तरह का पैसा डील के शुरुआत में नहीं देना पड़ा था, पर फ्यूचर्स में ट्रेड करते वक्त आपको कुछ पैसा शुरू में एक्सचेंज में जमा कराना पड़ता है, जो कि आपके लॉस को कवर करने के लिए लिया जाता है। इसे मार्जिन मनी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और स्टॉक कितना मूव कर सकता है उस पर निर्भर करता है। चलिए, अब जो भी हमने सीखा है उसे स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं और देखते हैं कि ये सब वैल्यूज आप सेंसिबल ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कहां देख सकते हैं। तो आपको जाना है केवल web.sensible.com पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आपको चूज करना है ऑप्शन चेन और यहां पर आपको अपनी सिक्योरिटी को टाइप करना है। आसानी के लिए मैं अभी SBI का एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस इन्फो बॉक्स पर। तो जैसे ही आप इन्फो बॉक्स पे क्लिक करते हैं, एक ये इंफॉर्मेशन कार्ड आपके सामने आ जाता है। तो अगर मैं हमारे गोल्ड एग्जाम्पल को यहां से रिलेट करूं, तो हमारे एग्जाम्पल में गोल्ड था अंडरलाइन, वैसे ही यहां पर जो SBI का स्टॉक है वो है अंडरलाइन, और वही जो इसका फ्यूचर्स प्राइस है उसे आप यहां पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका लॉट साइज और इसकी एक्सपायरी। बाकी के वैल्यूज को आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, इसे हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको आइडिया लग गया होगा कि कहां पर जाकर आपको अंडरलाइन एसेट को देखना है, फ्यूचर वैल्यू को देखना है, लॉट साइज को देखना है या फिर एक्सपायरी को देखना है। तो चलिए आखिर में देखते हैं इस वीडियो के कुछ की टेक अवेज। पहला, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के बीच में किसी भी एसेट को खरीदने या बेचने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पर किसी फ्यूचर डेट के लिए। दूसरा, फ्यूचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप फ्यूचर्स को खरीदते हैं। चौथा, अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर्स को बेचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और हां, अगर सवाल का सही जवाब दिया तो आपका नाम मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा। तो सवाल यह है कि ऑप्शंस के क्षेत्र में काम करने के लिए किन्हीं 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 2 व्यक्ति कौन थे और उन्होंने किस फॉर्मूले की खोज की थी? आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ऑप्शंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और कॉल ऑप्शंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस किन सिनेरियोस में बनता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लाइक्स ज्यादा होते हैं उतनी तेजी से अगले वीडियो की एडिटिंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्द से जल्द आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसी के साथ वी विश यू सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल।